हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, हम रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिसके फेमस पोइट्स को मैं आपको डील कर रही हूँ। आज हम बात करते हैं एक फेमस क्रिटिक, एक फेमस एसिस्ट, एक फेमस पेंटर ऑफ रोमांटिक एरा, हु इज विलियम हैजलिट। हु इज विलियम हैजलिट? जो बच्चे मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, माय चैनल डेडिकेटेड फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, स्पेशली टीचिंग का कोई भी एग्जाम लाइक DTPB है, KBS है, इंग्लिश लिटरेचर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइक्लोसिस इज माय फेवरेट, माय पैशन यू कैन से। सो लेट गेट स्टार्टेड। विलियम हैजलिट को आज हम स्टार्ट करते हैं। विलियम हैजलिट एक बहुत फेमस एसिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, सोशल कमेंटेटर भी थे, एक पेंटर भी थे, क्रिटिक भी थे। फेमसली यदि मैं बात करूं कि रोमांटिक एरा में उनको जाना जाता है एज ए क्रिटिक एंड एज एन एसिस्ट, फेमस जाना जाता है। यूके बॉर्न है, 10 अप्रैल 1778 और डेथ है इनका 18 सितंबर 1830। ठीक है, बाकी इनकी बायोग्राफी के बारे में कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि हम उसको डील करें, खास नहीं है। बस इनकी वाइफ का नाम याद करें आप, सारा स्टोडार्ट हैजलिट। ठीक है, सारा SARAH STODDART हैजलिट, यू नो। ठीक है, और ये काफी अच्छे इंस्पायर्ड थे, मेंटर मानते थे विलियम शेक्सपियर को, मोंटेगे को और कॉलरिज को। मतलब अपना इंस्पिरेशन यदि बोले कोई, ये इंस्पायर्ड थे किससे? शेक्सपियर से, कॉलरिज से और मोंटेगे से ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे विलियम हैजलिट। अब विलियम हैजलिट एज ए क्रिटिक एंड एज एन एसिस्ट फेमस थे, तो बहुत ज्यादा वर्क नहीं है लेकिन जो भी है बहुत फेमस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा क्वेश्चन आता है इनकी कोटेशन से और इनके वर्क से। सो इनका जो फर्स्ट एसे है जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये क्रिटिकल वर्क है। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले नाम से ही क्लियर है, जो विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज में जो कैरेक्टर्स है, यू नो वेल विलियम शेक्सपियर ग्रेटली नोन फॉर हिज कैरेक्टर्स, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं उन्होंने। तो जो उनके कैरेक्टर्स को लेके एक पूरा क्रिटिकल वर्क लिख डाला किसने? विलियम हैजलिट ने। काफी बार ये टाइटल एग्जाम्स में पूछा गया है, एस्टेट में भी, DTPB वगैरह में। तो कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले 1877 इज द क्रिटिकल वर्क ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स। शेक्सपियर कैरेक्टर नहीं, मतलब शेक्सपियर ने अपने प्ले में जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो वर्क है डेट इज राउंड टेबल। नेक्स्ट वर्क है राउंड टेबल। राउंड टेबल एक एसेज का कलेक्शन है, राउंड टेबल एसेज का कलेक्शन है, नाम से ही देखो राउंड टेबल। पहले जमाने में लोग ऐसे बैठ जाते थे टेबल्स के चारों ओर और बातें करते थे और जो इश्यूज होते थे उनको ऐसे पैम्फलेट्स में लिख देते थे। तो राउंड टेबल का फुल टाइटल एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, जस्ट रिमेंबर द फुल टाइटल, ए राउंड टेबल, RT मैंने शॉर्ट में लिख दिया, राउंड टेबल ए कलेक्शन ऑफ एसे मैन एंड मैनर। राउंड टेबल ए कलेक्शन ऑफ एसे मैन एंड मैनर, ये फुल टाइटल है राउंड टेबल का। ठीक है, और ये ज्वाइंटली था, ज्वाइंटली मतलब इन्होंने, विलियम हैजलिट ने ली हंट के साथ मिलके लिखा था। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि किसके कोलैबोरेशन के साथ क्या वर्क लिखा गया था। तो जो राउंड टेबल है वो विलियम हैजलिट ने ली हंट के साथ लिखा था और ये 40 एसे का कलेक्शन है, मतलब 40 एसे हैं जिसमें विलियम हैजलिट ने सिर्फ 12 एसे कॉन्ट्रीब्यूट किए थे। तो ली हंट में भी हमने राउंड टेबल को पढ़ा था, ली हंट में पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो ली हंट और विलियम हैजलिट का एक ज्वाइंटली यदि आपसे वर्क पूछा जाए तो राउंड टेबल। ठीक है, और कितने एसेज हैं? 40 एसेज हैं जिसमें कितने एसे का कॉन्ट्रीब्यूशन हैजलिट ने दिया है? तो हैजलिट ने गाइस दिया है 12 एसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड यू जस्ट रिमेंबर द फुल टाइटल, राउंड टेबल ए कलेक्शन ऑफ एसेज मैन एंड मैनर। नेक्स्ट है टेबल टॉक। टेबल टॉक इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ एसेज। टेबल टॉक भी एक एसेज है जो आर्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, आर्ट क्योंकि ही लव्स पेंटिंग, ये पेंटिंग को पसंद करते थे, लव्ड कह सकते हो, नाउ ही इज नो मोर। ठीक है, ये पेंटिंग को पसंद करते, तो आर्ट है, कल्चर है, फिलोसफी को डिस्क्राइब किया गया है किसके अंदर? टेबल टॉक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द प्लीजर ऑफ पेंटिंग। और हाँ, अब इसके अंदर जो टेबल टॉक है इसमें भी काफी सारे एसेज हैं, तो इसमें दो एसेज हैं जो बहुत फेमस है और जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं टाइटल्स। तो दो एसे कौन सा है? एक तो है ऑन द प्लीजर ऑफ पेंटिंग, ऑन द प्लीजर ऑफ पेंटिंग। सेकंड है इंडियन जगर्स। ठीक है, इंडियन जगर्स एंड प्लीजर ऑफ पेंटिंग, प्लीजर ऑफ पेंटिंग एंड इंडियन जगर्स।
दोनों एसेज बहुत ज्यादा फेमस हैं विलियम हेजलिट के, और इंडियन जगर्स में से तो शायद ये कोट है जो काफी फेमस है, आई थिंक इसी एसे में से है, लव ऑफ लिबर्टी इज द लव ऑफ अदर्स, लव ऑफ लिबर्टी इज द लव ऑफ अदर्स, लव इज पावर टू लव यूर सेल्फ. मीन्स ये कहता है लव ऑफ लिबर्टी टू लव अदर्स, लिबर्टी से प्रेम करना इट मीन्स यू लव अदर्स, दूसरों से प्रेम करना है, बट लव ऑफ पावर मीन्स यू लव यूर सेल्फ. सिंपल सी कोटेशन है, लव ऑफ लिबर्टी लव अनदर्स बट लव ऑफ पावर मीन्स यू लव यूर सेल्फ. तो ये कोट भी काफी ज्यादा फेमस है, विलियम हेजलिट की पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट जो इनका वर्क है, माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट, एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान, ये वर्क भी काफी बार क्वेश्चन इसका अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है. क्या क्वेश्चन है, टाइटल है माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट, मेरी फर्स्ट एक्वेंटेंस पोएट के साथ. तो सीधी सी बात है, कौन से पोएट है जिनके साथ इनकी पहचान हुई है, जिनके साथ इनकी एक्वेंटेंस है, वो कौन से पोएट है, तो ये क्वेश्चन याद रखना. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ पूछा जाता है कि विलियम हेजलिट का जो वर्क है माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट, तो हु आर दोज पोएट्स, वो पोएट कौन है जिनके साथ एक्वेंटेंस शो की गई है. द पोएट्स आर एसटी कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, द पोएट्स आर एसटी कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ के साथ एक मीटिंग है, एक जान पहचान है, उनके वर्क्स के ऊपर एक कमेंट्स जो किए हुए हैं, मतलब पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं कहेंगे हम. तो ये सब किसने किया, विलियम हेजलिट ने, इस पर्टिकुलर वर्क के ऊपर. तो यहां से काफी कोट है जो इनकी पूछती जाती है, तो वो कोट्स हैं, माय एक्वेंटेंस विद द पोएट में जब हेजलिट ने कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की बात की, तो एक दो तीन कोट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं. इन्होंने कॉलरिज के लिए क्या बोला, कॉलरिज इज ओनली पर्सन आई हैव एवर न्यू हु आंसर्ड द आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस. मीन्स इन्होंने कॉलरिज के लिए क्या कोट लिखा, तो एक कोट आप याद रखना, कॉलरिज इज ओनली पर्सन आई हैव एवर मेट, आई हैव न्यू, वट एवर यू कैन से, हु आंसर टू आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस. तो ये लाइन विलियम हेजलिट ने बोली किसके लिए, एसटी कॉलरिज के लिए, किस वर्क के अंदर, माई एक्वेंटेंस विद द पोएट के अंदर. और वर्ड्सवर्थ से तो ये काफी इंस्पायर्ड रहते ही थे कॉलरिज से, वर्ड्सवर्थ हैज आईज टू सी द नेचर. तो ये लाइन है, काफी बार यूज भी की जाती है ना, वर्ड्सवर्थ हैज आईज टू सी द नेचर, कि वर्ड्सवर्थ के पास ऐसी आंखें हैं जो सिर्फ नेचर को देखती हैं. तो ये लाइन हेजलिट ने ही कही थी वर्ड्सवर्थ के लिए. फिर वर्ड्सवर्थ ने अपना जो लिरिकल बैलेड लिखा उसका मैन्यूस्क्रिप्ट दिया हेजलिट को पढ़ने के लिए. तो मैन्यूस्क्रिप्ट समझते हो ना, जो फर्स्ट जो कॉपी होती है जो हम खुद लिखते हैं, डेट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, फिर प्रिंटिंग होती है आगे. तो जैसे तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो पढ़ने के लिए दिया लिरिकल बैलेड का, तो इन्होंने क्या कमेंट किया, एक कमेंट याद करना, सेंस ऑफ न्यू स्टाइल एंड न्यू स्प्रिट कम ऑन मी, कि भाई इस मैन्यूस्क्रिप्ट को, लिरिकल बैलेड आपको पता ना लैंग्वेज को लेके, डिक्शंस को लेके था, तो जब इन्होंने वो पढ़ा तो इन्होंने कहा सेंस ऑफ न्यू स्टाइल, क्योंकि डिफरेंट सी लैंग्वेज में पोइट्री थी ना, तो सेंस ऑफ न्यू स्टाइल एंड न्यू स्प्रिट कम ऑन मी, कहता कि मेरे अंदर एक नया स्टाइल और नया स्प्रिट मेरे अंदर आ रहा है. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिरिकल बैलेड के लिए रिस्पॉन्स है हेजलिट का. ठीक है, तो यही थे इसके कुछ फेमस वर्क. इसके अलावा कुछ वर्क हैं, जस्ट रिमेंबर द टाइटल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. पॉलिटिकल एसेज लिखे थे इन्होंने, एक ये याद करें ना, लाइफ जो नेपोलियन बोनापार्ट है, जो फ्रांस के राजा हैं यू नो थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट के लिए इन्होंने जो वर्क लिखा था एक, और एक प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन एसेज, ह्यूमन एसेज के ऊपर जो है प्रिंसिपल के ऊपर भी इसने बात लिखी थी. और एक फेमस सी एग्जाम वो लाइन भी इनकी, प्रुजडाइस इज चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस. प्रुजडाइस क्या होता है, किसी के लिए हम पहले ही पूर्वाग्रह पाल लेते हैं. प्रुजडिस इज चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस, प्रुजडाइस बोल देते हैं, प्रुजडिस बोलो वट एवर, प्रुजडाइस इज चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस, कि प्रुजडाइस जो पालते हैं वो तो इग्नोर्ड होते हैं, मतलब अज्ञानी लोग के होते हैं. तो प्रुजडाइस इज चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस का चाइल्ड है ये. तो भाई, तो ये काफी फेमस कोट है जो बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है विलियम हेजलिट के द्वारा. बाकी हेजलिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. रोमांटिक एज के अभी कुछ एसिस्ट हैं उनको करेंगे, और कुछ दो तीन पोइट्स भी हैं उनको भी करेंगे, फिर हम रोमांटिक एज को ओवर करके कुछ नया एज करेंगे. सो गाइज, आपको इंग्लिश लिटरेचर सीरीज कैसी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, एंड इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज, एंड रियली स्पीकिंग यूर कमेंट री इन्फोर्स मी अलॉट, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद यूर फ्रेंड्स. And if you are from Panipat and nearby Panipat, then you can take the coaching. Special Sunday classes for English literature also available. 3 to 4 hour Sunday classes होती हैं. Study material English literature का किसी भी exam के लिए आप लेना चाहें तो handwritten है, type printing हर type का है, आप लेना चाहें तो मुझे contact कर सकते हैं.
माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 7015467794. सो इफ यू वॉन्ट इंग्लिश लिटरेचर नोट्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू.